मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख पर लगाए आरोपों पर सलील देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इतनी जानकारी परमबीर सिंह के पास थी तो वे अभी तक चुप क्यों बैठे थे। परमबीर सिंह का पूरा रिकॉर्ड ही गुनेगारी का है। रवि पुजारी नाम का गैंगस्टर आपको शायद नागपुर के लोगों को नहीं मालूम है, मुंबई के लोगों को मालूम है। उसके साथ में बहुत सालों से इसके बहुत हर केस में उसका सजा आरोपी ये रहा है। बहुत बड़े बड़े रैकेट जिसने परमबीर सिंह ने मुंबई में थाना में चलाए और ऐसे सब चीज़ें परमबीर सिंह का तो पूरा रिकॉर्ड पूरे देश के आगे ये क्या हमको बता रहा है। पर किसने तेरे को रोका और कहाँ छुपा था इतने दिन, किसको धमका रहा, कहाँ मुझ मुंडा के बाल कटा के घूम रहा था, कितने बार कोर्ट ने बुलाया, कितनी बार तू आया, किसको बता रहा, तेरे पीछे से कौन बुलवा रहा है ये भी सबको मालूम है, वाजे के पीछे से कौन बुलवा रहा है ये भी सबको मालूम है। लोग को इतने बेवकूफ नहीं है कि यहाँ पे आरोप हुआ और तुम लोग एकदम जो बिल में छुपे थे बाहर निकल गए। इतना व्यवस्था कि जो आदमी जेल में है उसको मीडिया का एक्सेस हो जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तालियों दोनों हाथों से बजेगी ऐसी बात है। तो ये सब आप लोग को समझना चाहिए कि इसके पीछे के लोग कौन है। ये तो एक मोहरा है और इसने अपने पापों से बचने के लिए वहां पे जाके अपने एग्रीमेंट किया, इसलिए उसको उसका बेनिफिट मिला। शायद उसमें से वो अरेस्ट नहीं हुआ, ये तो एनआईए में तो 100% अरेस्ट इसको होना ही था। एनआईए का एंटीलिया बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड परमबीर है, पूरे देश को मालूम है, पूरे मुंबई को मालूम है।